रखते इसको, नहीं इसी पे रखते हैं। ये लाइफ जो मेरी है ना, ये लाइफ जीना इतना मुश्किल नहीं है। दिखने वालों को आसान दिखता है, पर जिसके साथ जो भी चोट लगती है ना, उसका दर्द उसी को फील होता है। तो आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, और आज के ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो यहाँ पर मैडक आ गया था, दीदी से हमने बोला कि ट्रैपॉड लेकर आ जाओ, इन्हें ट्रैपॉड लेकर आया और ये गिरा दिया और टूट गया। वो स्वाहा हो गया है, मालूम है तुम बात जला है, अगर तो जला दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जल गए तो अब कितना काम। एक चीज, वो मैढ़क जो कहते हो वहीं पर सांस लिए पड़ा है, वो नहीं जा रहा, तो उससे नहीं डर रहा वो बिल्कुल भी, पर तू उससे डर गई जबकि तेरे से वो छोटा है। मेरे पास मत आप, तू तेरे पीछे मेरा ट्रैपॉड टूट गया, श्रेया तुझसे डर गई, निकल जा मेरे घर से। कितना भयानक दिखता है। नहीं हमें तो भारी क्यूट लग रहा, सजा भी था अंदर फेंक दो। कहाँ जा रहा है, कहाँ? श्रेया रूम में नहीं रहेगी, तुम लौट के आओ, लौट के जाओ, जहाँ से आए वहीं वापस जाओ, रूम में नहीं रहेगी है। कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारे पीछे, काहे हमारे घर में चीजों में बैठे रहते हो, है? कुछ यहाँ पर निकालने आई थी मैंने ना, मेरा एक बार यानी कि मंगलसूत्र टूट गया था, तो मैंने वो माला बनवाई थी ऐसे ही, तो वो माला मैं ढूंढने आई हूँ इधर पे। इधर पर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है नीचे यहाँ ड्रॉज में, ये देखो नेकलेस जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने दिखाए नहीं थे, ऐसे ही है पर हैं अच्छे। तो यहाँ पर मैं माला ढूंढ रही थी, एक बार मेरा मंगलसूत्र टूट गया था तो उसके सारे मोती काले वाले बिखर गए थे, तो मेरे कुछ मोती मुझे मिले कुछ नहीं मिले, तो मैंने एक डब्बे में भर के रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कहाँ पर ये माला बनाई जाती, कहाँ पे पार्लर है, कहाँ पर साड़ियों के ब्लाउज सिलते हैं, यानी टेलर कहाँ पर, कुछ भी नहीं पता था। और शुक्ला जी के जाने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ है, जब मैं अकेले निकली, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं आज तक मार्केट भी नहीं गई थी। तो आज मुझे याद आया कि चलो मंगलसूत्र ना, तो मैं कम से कम वो माला तो पहन सकती हूँ। मेरे पास पहले की सारी चीज़ें रखी हुई है, मेरे पास मेरा सिंदूर भी रखा हुआ है, जो कि मैं एक सिंदूर था, मेरी एक फ्रेंड थी वो सुहागन भगवान जी के पास चली गई थी, उसने मुझे सिंदूर दिया था, तो वो सिंदूर मैं यानी ख़त्म नहीं हो पाता था, और उसमें और मैं सिंदूर मिला लेती थी वही डिब्बी में, तो वो डिब्बी का सिंदूर समझ लो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और वो सिंदूर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर वही माला ढूँढ रही थी मैं कि चलो वो माला पहन लूँगी मैं, तो कुछ चैन वगैरह मिली थी, तो गर्मी में आर्टिफिशियल मैं नहीं पहन सकती हूँ, मुझे यानी कि रिएक्शन कर जाता है और खुजली वगैरह होने लगती, इस कारण से मैं नहीं पहन सकती हूँ। वो माला मोतियों की थी और तांत में गुथी हुई थी, पर वो माला मुझे अभी तो नहीं मिली, तो मैं ये मुझे पापा ने चैन दी थी, तो मैंने बोला मैं एक दिन के लिए पहन के देखती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर पहन ली है। उसके बाद मैंने बोला हाथों में कुछ पहन लेते हैं, तो हाथों के लिए कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन से आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड सा था मेरे पास, आर्टिफिशियल था, वो भी कंगन था, तो वो पहनती थी, पर अब वो मैं नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मैं आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पहन सकती, मुझे प्रॉब्लम होती है।
तो ये मुझे कंगन मिले थे बहुत, यानी कि पहले कुछ कुछ चीज़ें मुझे कहीं कहीं से मिल जाती थी, जैसे कि श्रृंगार का सामान रहता है ना, मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई है, कोरी कोरी मैंने पहनी तक नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें ना बचा कर रख लेती थी कि मेरे बाद में काम आएगा। तो ये कंगन भी मैंने कभी नहीं पहने, कोरे ही रखे हुए थे। और भी चीज़ें हैं, तो ये रेड कंगन है, शायद मेटल है ये, तो इसको पहन के देखती हूँ ये सूट होता है कि नहीं। और यहाँ पर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, यानी कुछ कुछ चीज़ें मुझे पुरानी मिल गई जो कि मैं बहुत संजो के रखती थी, तो मैंने कभी अलग ही नहीं किया है उसे। और जब वो सिंदूर लाल कलर देखती हूँ ना, तो सच में अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे पास नहीं है। यानी मेरे पहले के व्लॉग में, यानी मैं सिंदूर भरती थी, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताया हुआ है कि सिंदूर को इस तरीके से भरना चाहिए, 3 बार बिल्कुल पूरी मांग भरना चाहिए। तो बोलते हैं ना, जितना जो नियम कर्म धर्म करता है ना, उसी के साथ ऐसा होता है। मैं हर चीज़, यानी जहाँ से मुझे जो चीज़ें पता चलती थी जो अच्छी होती है एक सुहागन महिला के लिए, सारी चीज़ें फॉलो करती थी, बट मेरे साथ ये चीज़ें सब सपना हो गई, सब कुछ छिन गया मेरे से। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मेरी पुरानी रखी हुई है, जो कि आज तक मैंने अलग नहीं की, मैं ना सब बचा बचा के रख लेती थी कि कभी पहनूंगी तो सुंदर दिखूंगी, और जब मैं तैयार होती थी तो इनसे सबसे पहले इन्हीं के पास जा कर के और इनसे पूछती थी कि बिट्टू कैसी लग रही, तो वो बोलते थे सुंदर बोलूँगा तो तू ज़्यादा ग्लैड हो जाएगी, इसलिए ठीक है, ठीक लग रही, वो ऐसा कहते थे। हमेशा यही जवाब रहता था कि अगर सच बताऊंगा तो फूल जाएगी, ग्लैड हो जाएगी, और अगर बुरा बोलूंगा तो गुस्सा हो जाएगी, तो ऐसा कहते थे जब भी मैं तैयार होती थी। तो आजकल क्या है, मैं तैयार होती हूँ ना तो श्रेया से पूछती हूँ, श्रेया ठीक लग रही, तो फिर श्रेया भी उन्हीं के जैसी है कुछ कुछ, बट वो ऐसे नहीं बोलती है, वो ये बोलती है कि हाँ मम्मी ठीक लग रहे हो, और जहाँ पर गड़बड़ समझ में आ जाता तो बोलते ये ओवर है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं फिर चेंज कर लेती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी कभी खरीदी है, कुछ पुरानी है, तो पुरानी चीज़ें अगर देखती हूँ ना तो चीज़ें कुछ कुछ याद आ जाती कि ये चीज़ मैंने तब ली थी, तो ऐसे पहनी थी, इस टाइम पहनी थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पुरानी भी रखी हुई है। पर इन सब चीज़ों को देख करके थोड़ा सा दुख होता है कि ये सारी चीज़ें, पहले तो बेझिझक पहन लेती थी कि अच्छा बे टाइम, यानी शाम का टाइम हुआ, कभी कभी ऐसा रहता है ना शाम के टाइम अपन सज रहे हैं सुंदर दिखने के लिए और काम वाम से फ्री हो गए, तो मैं शाम के टाइम ना अच्छे से तैयार हो जाती थी कभी कभी, पर और बेझिझक कि कोई कुछ टोकेगा रोकेगा नहीं, क्योंकि बहू बेटी को तो सधज के अच्छे से रहना चाहिए। पर आजकल थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। और यही वो पेंसिल है जिससे मैं मांग भरा करती थी, पहले मैं बड़ी बिंदी लगाती थी और लाल कलर की बिंदी मुझे काफ़ी पसंद थी, बड़ी बिंदी लगाती थी, इससे चेहरा बहुत अच्छा लगता है। तो ये श्रेया देख रही थी, बोलती मम्मी ये क्या है, तो मैंने बोला इससे मैं सिंदूर यानी मांग भरती थी, तो वो सिंदूर की डब्बी अभी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है श्रेया उस साइड यानी हॉल में ले गई है वो, यहाँ से उठा करके, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ें कभी भी कहीं यानी अपने से दूर नहीं करी हूँ, वो सब कुछ रखा हुआ है, जब मैं ये ड्रॉच खोलती हूँ या फिर चीज़ें निकालती हूँ तभी दिखती है। ये स्प्रे दिख गया था, रूम फ्रेशनर, तो ये मुझे ऐसा अलग सा दिख रहा था तो मैं जोड़ने की कोशिश कर रही थी पर श्रेया ने जोड़ के दिया, तो ये छुपा हुआ था, आज मुझे यहाँ पर दिख गया। तो ये सारी चीज़ें देख रही थी, फैला भी थी, और अब इसको अच्छे से सेट करके रख दे रही हूँ।
शुरू से रुद्राक्ष की माला ऐसे पहनती है, उसकी माला टूट गई है और वो हमेशा यानी पहले से बोल रही है, करीब 8-10 महीने हो गए कि मम्मी रुद्राक्ष की माला, जब भी हम जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला ज़रूर ढूंढते हैं पर उसके हिसाब से मिलती नहीं है, उसे पसंद भी नहीं आती है। यहाँ पर मैं खुद को देख करके थोड़ा सा खुश हो रही थी कि चलो ये चीज़ें मैं पहन सकती हूँ और मैं थोड़ा ठीक दिखने लगी, इतना ही, क्योंकि ना गले में पहनूँ ना कान में ना हाथों में, तो कुछ कुछ ऐसा पहन लेती हूँ तो थोड़ा सा खुद को भी ठीक लगता है। यहाँ पर मैं पाठ कर रही हूँ भगवान जी का, और आजकल तो मैं पाठ आठ कर लेती हूँ ना, पूजा पाठ करने के बाद कुछ भगवान जी से बातें कर लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि दुनिया सुने या ना सुने पर ये ज़रूर सुनेंगे, कहीं ना कहीं से मेरी पुकार जाएगी तो उनके पास। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद श्रेया ने ये खाना बनाया हुआ है, आम की चटनी जो मैंने बनाई थी फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पर दाल चावल बना हुआ है और सलाद काटी गई है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर श्रेया से मैंने बोल दिया था श्रेया खाना बनाओ, तो श्रेया ने बना दिया, हम बाकी के काम कर लिए थे, तो अब खाना खाने जा रहे हैं। चेक करके बताते हैं कैसा बना। फ्रेंड्स खाना खा लिया, बहुत अच्छा लगा खाना खा करके। अब मुझे नहीं पता था श्रेया ने, मैं रील बना रही थी और श्रेया ने मेरी वीडियो बना करके और अपलोड कर दी, आप लोग देख सकते हो। हम सो के उठ गए हैं, दोपहर की नींद पूरी हो गई और अभी हमने चाय नहीं पी क्योंकि अभी बहुत धूप है बाहर, तो चाय बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो हमने ना ककड़ी खा कर आए हैं, और ये पिंपल हो गया था मोटा वाला जो दर्द देता है, अब ये ना ऐसा निशान छोड़ के जाएगा काला काला, ऐसे होता है ये, कहीं कहीं बहुत दर्द देता है। क्या हो रहा है, श्रेया इधर ब्लॉग शूट कर रही है, बोला ना मैगी बन रही है, यहाँ पर श्रेया बना रही है मैगी, यहाँ पर इसका मोबाइल रखा हुआ है, ये देखो ये मोबाइल रखा हुआ है और यहाँ पर ये मैगी बन रही है। मैं नल चेक कर रही हूँ कि नल आए कि नहीं आए, नल आ जाते चलो कोई नहीं, बर्तन धो लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं। और मैंने एक वीडियो देखी, देखो बर्तन दिख रहा है मेरे, बर्तन रखे हुए हैं, एक वीडियो देखी मैंने, उस वीडियो में तो यहाँ पर बस श्रेया बातें कर रही थी, बोल रही थी मम्मी एक किचन में दो लोग अच्छे नहीं होते हैं, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो मैगी बना रही थी और बोलती बाद में काम कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय सभी।